वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं चिकन बारबेक्यू। हम करेंगे बारबेक्यू वो भी सिगड़ी पे। यस, हम बनाएंगे कोल की हेल्प से ग्रिल्ड बारबेक्यू। तो ये मैंने लिया है 3 केजी ऑफ चिकन, बोनलेस और विद बोन मिक्स है। तो इसे अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है सबसे पहले, उसके बाद मैं बताती हूँ कि क्या करेंगे हम। इसमें ले लेंगे 1 मुट्ठी के करीब धनिया पत्ती और इसमें लेंगे 2 टमाटर। ये हमें चटनी बनानी है पेस्ट टाइप। टमाटर के बाद हम इसमें ले लेंगे 4 हरी मिर्चें। अब इसे फाइन पेस्ट बना लेंगे थोड़ा सा पानी ऐड करके। तो अब हम इसमें मसाला मिक्स करते हैं। ये पूरा 3 केजी चिकन है, इसमें हम मिक्स कर रहे हैं बीबीक्यू मसाला। ये है सुहाना का चिकन तंदूरी मिक्स बीबीक्यू। इसमें सब कुछ मिक्स होता है, नमक वगैरह सब अच्छी तरीके से मिक्स होता है। अब नेक्स्ट हम डालेंगे ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट, थोड़ा सा पाउडर। अब जो हमने ग्रीन चटनी बनाई थी उसको ऐड कर देंगे, पूरी जितनी हमने ग्रीन चटनी बनाई थी पूरी ऐड करेंगे। जिसका आप हाथ देख रहे हैं वो बीबीक्यू शेफ है, शेफ। अभी हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 1, 2, 3, 4 टेबल स्पून। यस, एग्जैक्टली 3-4 टेबल स्पून। अब सारे मसालों को और चिकन को प्रॉपरली मिक्स करना है, अच्छी तरीके से कोट करना है हर एक चिकन के पीस को। टोटल हमने 250 ग्राम बीबीक्यू मसाला ऐड किया है। वो जो बड़ा पैकेट था वो 100 ग्राम का है और ये छोटा पैकेट 50 ग्राम का है। कौन सा? तो इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, हमने सनफ्लावर ऑयल ऐड किया है। अब इसमें सब कुछ ऐड करने के बाद, मिक्स करने के बाद हमें इसे फ्रीजर में रख देना है मैरिनेशन के लिए, ऑलमोस्ट 1 आवर के लिए। जब तक ये मैरिनेट हो रहा है हम अपना कोयला जो है वो जला लेंगे। अब हम जो ये कोयला है इसे जला लेंगे। इसको जलाने के लिए सबसे पहले मैगी कोयले को थोड़ा सा जला के और जो हमारा अनियन कोयला है उसके अंदर डाल के उसको टोस्ट को हवा देनी होती है। और कोयले के पीसेस को इस तरीके से तोड़ के डालना है। प्रॉपरली जल चुका है, अब बाकी है बीबीक्यू करने। मैरिनेशन को 1 आवर पूरा हो गया है। अब इस तीलियों में हमें अपना चिकन जो है, एक तीली में 4 चिकन लगाना है इक्वल डिस्टेंस पे, और जिधर साइड से हम तीली पकड़ते हैं और यहाँ एंड पे स्पेस छोड़ना है। ये देखिए कितनी सफाई से इसने लगा दिया है हड्डी वाली पीस को।
डिस्टेंस को कम करना पड़ेगा, डिस्टेंस को थोड़ा कम करना पड़ेगा क्योंकि वो एडजस्ट नहीं हो रहा है। इसी तरीके से हम सारी टीरियों में अपनी अपना चिकन जो है लगा के रख देंगे। जब तक हम लास्ट टीरी में लगाएंगे, फर्स्ट वाला ऑलमोस्ट कुक हो चुका होगा हाफ, तो रिक्वायर्ड होगा एक छोटे बाउल में ऑयल और ब्रश ताकि हम इसे ग्रीस कर सकें कुछ इस तरीके से। अच्छी तरह से 360 पलट के रोटेट करके पूरा हर तरफ ऑयलिंग करना है, ग्रीस करना है। और इसकी स्मेल जो आ रही है ना, आई कांट एक्सप्लेन, बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है, मन कर रहा है कच्चा ही खा जाओ। और ये बैठे हमारे शेफ, अगर कोई बोटी ऐसे लटक रही हो तो इसे भी फिक्स कर दें। अब तीन तीन चार चार टीरियाँ एक साथ पकड़ के इस तरीके से पलट पलट के अच्छी तरीके से ग्रिल करना है। टिश्यू पेपर, चाट मसाला, नमक, नींबू। ये देखिए चिकन हो चुका है जो हमने सबसे स्टार्टिंग में डाला था। अब इसमें हम नींबू और चाट मसाला मिक्स करेंगे। अब इसमें मिक्स कर देंगे नींबू, थोड़ा सा चाट मसाला। इसी तरीके से हम सारा बनाएंगे, एंजॉय करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।